Coming RCI Education Hub online class. Today our topic is chemical property of alcohol. In previous class we discussed about the physical property of alcohol. देखिए बेटा chemical properties of alcohol में mainly अपन यहाँ पर 4 type की chemical properties discuss करेंगे. Clear? इनमें किस type से अपन यहाँ पर chemical property discuss करेंगे उसको एक बार अपन briefly यहाँ पर समझ लेते हैं. देखिए फर्स्ट टाइप है आपका रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड. क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, यहाँ पर आपका ये OH बॉन्ड आपका क्लीवेज हो रहा है. जैसे मैंने यहाँ पर एक एल्कोहल मॉलिक्यूल दे रखा है, इस एल्कोहल मॉलिक्यूल में से क्या होगा आपका OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, मतलब यहाँ से H रिमूव हो जाएगा. तो अपनी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन अपन देखेंगे. सेकेंड रिएक्शन है आपकी रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड. इसकी बात करेंगे अपन, CO बॉन्ड की बात करेंगे. बेटा देखिए यहाँ पर ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो ये वाला बॉन्ड अगर आपका ब्रेक होता है तो अपने पास भी कौन सी सेकेंड टाइप की रिएक्शंस फॉलो होंगी. क्लियर? थर्ड है आपकी रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ एल्कोहल. देखिए आपका ये पूरा एक एल्कोहल मॉलिक्यूल है, इस एल्कोहल मॉलिक्यूल में अपने पास में RCH2OH, मतलब कंप्लीट इस OH और RCH2 पूरे एल्काइल ग्रुप पे और इस OH ग्रुप पे केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होगी. नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप. देखिए आप सब जानते हो ऑक्सीजन पे क्या होता है, आपका दो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो इन लोन पेयर की वजह से भी यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती है. क्लियर? इस टाइप से टोटल आपकी 4 टाइप की मेन केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर एल्कोहल शो करते हैं. अब इनको अपन 1 by 1 डिस्कस करेंगे. तो इसमें अपन फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शंस जो कौन सी है आपकी OH बॉन्ड क्लीवेज, एल्कोहल का जो OH ग्रुप है उस OH बॉन्ड क्लीवेज की केमिकल रिएक्शंस होगी. देखिए बेटा ध्यान से समझिए, फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. अब इसमें ध्यान दीजिए एल्कोहल में यहां पर OH बॉन्ड क्लीवेज होगा उस कंडीशन में ये यहां पर मेनली एसिडिटी शो करेगी. इस टाइप की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उनसे अपन एल्कोहल की एसिडिटी, क्या एसिडिटी ऑफ एल्कोहल इसकी बात करेंगे अपन यहां पर, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल. क्लियर? अब यहां पर इसमें फर्स्ट टाइप जो रिएक्शन है उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे, बट पहले अपन यहां पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, इसको अपन ए टाइप रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. इसकी बात करेगा ये रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. अब एक्टिव मेटल्स कौन सी होगी, एक्टिव मेटल्स होती है आपकी हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स, लाइक इज आपकी सोडियम हुई, पोटेशियम हुई, ठीक है, जिंक हुई, इन सब मेटल से ये रिएक्शन शो करता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है, मतलब यहां से हाइड्रोजन रिमूव. और मेनली वैसे अपन क्या पढ़ रहे हैं कि आपका एल्कोहल में से OH बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाए. देखिए रिएक्शन ये लिया अपन ने ROH एल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन अपन ने किससे की सोडियम मेटल, इससे की अपन यहाँ पे सोडियम मेटल से. अगर यहाँ पे अपन इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ इसे कितने लेंगे अपन 2 मॉलिक्यूल, सॉरी 2 एटम. तो यहाँ पर अपन बात करते हैं RONA, क्या फॉर्मेशन हो गया बेटा RONA, तो यहाँ से क्या हो गया आपकी ये हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई. क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी. मेनली इस रिएक्शन से अपन क्या प्रूव कर रहे हैं, एल्कोहल रिमूव हाइड्रोजन बाई द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड विद सोडियम मेटल. तो ये सोडियम मेटल आपके एसिड नेचर की है, ये आपका यहाँ पर क्या हो गया एसिडिक नेचर, जो प्रूव कर रहा है क्या हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो रही है. क्या हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है. तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन रिमूव होने के बेस पर यहाँ पर अभी मैंने बात की थी क्या करेंगे अपन एसिडिटी, क्या करेंगे अपन
एसिडिटी ऑफ एल्कोहल को भी यहां पर अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर, आगे चले। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि अब अपन यहां पर इस बेस पर क्या करेंगे, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, देखिए बात करते हैं अपन किसकी, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एक बार अपन एल्कोहल और वाटर की एसिडिटी को अपन कंपेरिजन करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, दोनों में आपका ओएच ग्रुप है, क्या बेटा दोनों में ओएच ग्रुप सेम है, डिफरेंट का है आपका एल्काइल ग्रुप, कहां पे है एल्काइल ग्रुप, वाटर में क्या है अपने पास में हाइड्रोजन, राइट। और आप सब जानते हो एल्काइल ग्रुप क्या शो करते हैं आपका प्लस आई इफेक्ट, क्या शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट। अब ये प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ये चीज अपन ने 11th में डिस्कस की थी, फिर भी आपको ब्रीफली बताता हूं कि प्लस आई इफेक्ट दैट मीन्स दोज ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर कंपाउंड, इंडक्टिव इंडक्शन इफेक्ट, राइट, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। एल्काइल ग्रुप हुआ आपका वो क्या होते हैं प्लस आई ग्रुप शो करते हैं। और अगर बात करें अपन एसिडिटी में, एसिडिटी का क्या होता है, एसिडिटी जो होती है वो माइनस आई के तो क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्लस आई क्या होती है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्लस आई क्या होती है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्लस आई अगर होगा एल्कोहल में, एल्काइल ग्रुप अगर होंगे तो क्या होगा एसिडिटी क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज, जबकि वाटर में क्या है हाइड्रोजन, ना तो प्लस आई है ना माइनस आई है, तो किसकी एसिडिटी ज्यादा हुई आपकी अगर कंपेयर करें इन दोनों की, इसके भी बेटा आर ओ एच और एच ओ एच में से क्या हुआ आपका एच ओ एच वाटर की एसिडिटी ज्यादा हुई। अब इसको अपन दूसरे वे समझ सकते हैं, देखिए यहां पर एल्कोहल में और वाटर में दूसरा कंपेरिजन करते हैं, देखिए आर ओ एच और एच ओ एच, क्लियर, देखिए क्या है आपका आर प्लस आई ग्रुप शो कर, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, अगर आपका प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है, ये क्या करेगा इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव नहीं करेगा। बट इन कंपेयर वाटर में हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है, ये ओएच अपना हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर देगा, तो इस वे में ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, या अदर वे में कहें वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, क्लियर। अब बात करते हैं अपन इसकी एल्कोहल्स की, पर्टिकुलर एल्कोहल्स की बात करते हैं। आप सब जानते हो एल्कोहल्स आपके मेनली थ्री टाइप के होते हैं, अपने पढ़े थे कौन कौन से, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री किसके बेस पे होते हैं बेटा, ये एल्काइल ग्रुप के बेस पे होते हैं, किसके बेस पे होते हैं एल्काइल ग्रुप के बेस पे होते हैं, क्लियर। अब देखिए इन तीनों का कंपेरिजन, CH3 CH2 OH, क्या क्या है 1 डिग्री एल्कोहल, फिर लेते हैं अपन CH3 CH CH3 OH, क्लियर, ये आपका लोन पेयर यहां पर, राइट। अब तीसरा हो गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल, देखिए आप ये आपका हो गया 3 डिग्री, क्लियर। अब अपन को इन तीनों की एसिडिटी कंपेयर करनी है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एसिडिटी का, जितना जल्दी आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा उतना ही वो क्या होगा एसिडिक नेचर का होगा, तो किस कंपैरिजन में प्लस आई अगर होगा तो एसिडिटी क्या होगी आपकी कम होगी, माइनस आई होगा तो एसिडिटी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। अब देखिए ये आपका 1 डिग्री है, कार्बन कितने यहाँ पे 2 है, ये 2 डिग्री है, कार्बन कितने आपके 3 है, ये क्या आपका 3 डिग्री है, कार्बन क्या आपके 4 है, मतलब नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप देखो ये आपका सेम है, ये सेम है, ये सेम है। अब देखो यहाँ पर
वन एल्काइल ग्रुप, टू एल्काइल ग्रुप और आपके ये थ्री एल्काइल ग्रुप। तो आपका अगर आर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रहा है आपका, प्लस है। आर इंक्रीज हो रहा है, आर मतलब क्या हो गए, एल्काइल ग्रुप, क्या हो गए, एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, प्लस आई क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर एसिडिटी क्या हो जाएगी आपकी, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब इन तीनों का कंपैरिजन करें, इन कंपैरिजन बिटवीन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल, तो ऑर्डर क्या आएगा अपने पास में, 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री और लास्ट में क्या जाएगा आपका, 3 डिग्री एल्कोहल का एसिडिटी का ऑर्डर होगा। क्लियर बेटा? यहां पे अब अपन इस एसिडिटी को एक रिएक्शन और ले रहे हैं आपका, इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, एल्कोहल रिएक्ट विद मेटेलिक हाइड्राइड, एल्कोहल रिएक्ट विद मेटेलिक हाइड्राइड। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये एसिडिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आप ऑनलाइन लिंक अगर सबके समझ में आया है तो आप एस लिख के मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो। सेकेंड रिएक्शन इसकी बी रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, ये भी आपकी एसिडिटी को एक्सप्लेन करेगी। इससे करवाएंगे अपन मेटेलिक हाइड्राइड से, मेटल हाइड्राइड या मेटेलिक हाइड्राइड। यहां पे देखिए आर ओ एच प्लस NH, ROH प्लस NH, तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो यहां से H रिमूव होगा, यहां से H अपने पास बन जाएगा RONH प्लस वही आपकी H2 रिमूव। क्लियर? जो RONH फॉर्मेशन हुआ है उसको बोलेंगे अपन सोडियम, क्या बोलेंगे बेटा इसको, सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर? और यहां क्या हो रही है आपकी, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, दैट मींस सोडियम हाइड्राइड भी यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, दैट मींस ये रिएक्शंस भी आपकी क्या कर रही है, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल को आइडेंटिफाई कर रही है। अब देखिए एग्जाम में, एग्जाम में भी बात की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल जो है आपका है उसकी एसिडिटी का ऑर्डर आप फाइंड आउट करो या इसको अरेंज करो वो आप कर सकते हो। बट सेकेंड क्वेश्चन जो है, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपका कैसे आ सकता है, एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल बाय द केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल बाय द केमिकल रिएक्शंस। तो आप कोई सी भी केमिकल रिएक्शंस लिख के उस क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर सकते हो। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।